हेलो स्टूडेंट्स, सो होप आप स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे आप अपने घर पर और साथ साथ में पढ़ भी रहे होंगे। तो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या पढ़ना, हमें बेसिकली 118 जो नॉन एलिमेंट अब तक उनको एक टेबल में रखना है और टेबल में इस तरीके से रखना है कि सिमिलर एलिमेंट को हम एक साथ रखें और डिसिमिलर एलिमेंट को सेपरेट रखें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इस वजह से कर रहे हैं कि जो 118 एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी इजीली कर सकें। तो इसके लिए हमने कुछ पैटर्न देखना होगा और वो पैटर्न क्या बताते हैं कि जो सिमिलर एलिमेंट हैं उनको हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। अगर हम हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल स्टडी करने जाएंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और हमारे लिए उसको स्टडी कर पाना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमने समाधान निकाला। हमने क्या, किसने निकाला है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हमारे साइंटिस्ट ने प्रयास किए थे, ठीक है ना। सबसे पहले डोबरनियर ने किया था, डोबरनियर ने ट्रायड दिए थे, उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड आया, उसके बाद कौन आया, मेंडेलीव आया, उसके बाद कौन आया, मोजले आया। मोजले ने क्या दिया था, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, और हमें मॉडर्न प्रेडिक्टेबल आज के टाइम पर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को हम पढ़ रहे हैं। बट किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसकी क्या मेरिट्स थी, क्या डीमेरिट्स थी, ये भी हमें स्टडी करना जरूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, हम डायरेक्ट मॉडर्न प्रेडिक्टेबल भी पढ़ सकते थे, ठीक है ना, कि अब तो वही चल रही है ना। लेकिन हमें उनको जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया टाइम टू टाइम पर उसको स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक प्रेडिक्टेबल की कुछ खासियत थी, उसने कैसे प्रयास किए, ठीक है ना, क्या अप्रोच लगाई, ठीक है ना, कैसे उसने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, कहाँ उसने गलती की, क्या उसकी मेरिट थी, क्या उसकी सोर्स कमिंग थी, तो ये स्टडी करना जरूरी है। तो इसमें से क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने पूछे थे वो मैंने डाले हुए हैं, लास्ट में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है पूरा डेडिकेटेड है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। तो मेंडेलीव के बारे में पढ़ना है, मेंडेलीव ने कौन सी पीरियोडिक टेबल दी, क्या अटेम्प्ट किए, क्या लॉजिक लगा उसने। सो स्टडी करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कैओस। तो जैसे मैंने बताया था कैओस का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब 118 एलिमेंट को हम ऐसे स्टडी करने लग जाएं बिना को उसमें पैटर्न निकाले तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा ना। तो इंस्टीड बिना हम पैटर्न निकाले स्टडी किए तो हमें अच्छे से क्या करना है, पहले उसके बीच में पैटर्न निकालना होगा, उस पैटर्न से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट उनको एक साथ रख लेंगे और जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है उनको सेपरेट रख देंगे, ठीक है। सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल अचीवमेंट है उसकी भी, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या अचीवमेंट थी, यानी कि उसकी मेरिट क्या थी, ठीक है ना, एडवांटेजेस क्या थी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस पूछ सकता है, डीमेरिट पूछ सकता है, सोर्स कमिंग पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। तो मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स गोज टू डमिट्री इवानोविक मेंडेलीव, रशियन केमिस्ट थे वो। यानी कि आज से पहले हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था डोबरनियर के ट्रायड। डोबरनियर ने क्या किया था, डोबरनियर पुट थ्री एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन सच ए वे दैट सम ऑफ मासेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट एंड टेकिंग द एवरेज ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। यानी कि तीन एलिमेंट को उसने एक तरीके से ऐसे रखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट का मास प्लस थर्ड एलिमेंट का मास, फिर उसका एवरेज ले लो आप, वो किसके इक्वल आएगा, सेकेंड एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे मेंडेलीव ने क्या किया था, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, लिखा इससे नहीं आ रही, आयोडीन, ClBrI, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को एक साथ रखा। उसने कहा कि आप क्लोरीन का मास प्लस आयोडीन का मास जोड़ दो और दो से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा वो मिडल वाले एलिमेंट के इक्वल आएगा, इनके ब्रोमीन के मास के इक्वल आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो कितने एलिमेंट के रख पाया था, नौ एलिमेंट को रख पाया था, इनके तीन ही ट्रायड बना पाया था, ठीक है। तीन ट्रायड कौन से थे,
ली ना की इनके लिथियम सोडियम पोटासियम पैराट्राइड था, फिर कौन सा था कल बरसेंगे इंदर जब इनके क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या था आपका सेकंड वाला था ठीक है। तो बेसिकली तीन ही ट्राइड पॉसिबल थे, उसके बाद उसकी प्रेडिक्टिव क्लासिफिकेशन क्या हो गई थी फेल हो गई थी, तो उसकी डीमेरिट थी। सॉरी फिर कौन आया था, फिर हमारा आया था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं, न्यूलैंड ने लिया सभी एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली 58 एलिमेंट्स नोन थे वहां पर उसके टाइम पर, तो 58 एलिमेंट्स को उसने प्रोडिक्ट टेबल में रखा। किस वे में रखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था ठीक है। उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट अपने एट्थ एलिमेंट के साथ मैच होगा, यानी कि जब कभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहला एलिमेंट जो है वो आठवें एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मैच करेगा ठीक है ना। जैसे लिथियम किसके साथ मैच करता था, सोडियम के साथ, बट ये भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या हो गई थी फेल हो गई थी ठीक है। क्यों फेल हो गई थी, पहली इसकी वजह थी कि ये कैल्शियम तक वर्क करती थी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ओनली वर्क अप टू कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम तक हर एक फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट एलिमेंट के साथ सिमिलर थी, बट कैल्शियम के बाद उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला था जिसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट एलिमेंट के साथ क्या करती हो मैच करती होती ठीक है। उसके अलावा न्यूलैंड ने बोला कि भाई 58 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद किसी नए एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी, और वही सबसे उसकी बड़ी क्या थी बोलते हैं कि ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था ठीक है। आप भी आ जाते हो कई बार ज्यादा कॉन्फिडेंस में ठीक है ना, कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया सब कुछ आता है, लेकिन पेपर में क्या होता है ये क्या हो गया ठीक है ना। वैसे तो आप क्या बोलते हो, ये भी किया ये भी किया ये भी किया, फिर पेपर में बोलते हो ये क्या किया। तो न्यूलैंड ने भी कहा था कि 58 एलिमेंट ही नोन होंगे, उसके बाद नए किसी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट लेटर बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। आज तो कितने हैं 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ 98 के आसपास तो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हैं, और जो रेस्ट हैं 10 एलिमेंट हैं हमारे 20 एलिमेंट हैं वो क्या हैं, वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हैं, मैनमेड लैब में बनाए हैं ठीक है। तो और इसकी क्या लिमिटेशंस थी, उसके अलावा उसने डिसिमिलर एलिमेंट को साथ में रख दिया था और सिमिलर एलिमेंट को दूर दूर रख दिया था ठीक है ना। इनके जो घर वाले थे उनको कहाँ रख दिया, एक चंडीगढ़ है एक मुंबई है, और जो कहीं से भी मैच नहीं होते उनको साथ रख दिया था ठीक है ना, दो पड़ोसियों को साथ में रख दिया था जिनके कभी बनती ही नहीं थी, जिनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं होती थी। जैसे टीचर करता है आपके साथ कभी कभी, क्लास में क्या है आपको अपने फ्रेंड के पास बैठना है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आपसे मैच करती है, बट टीचर क्या करेगा जाते आपको उठा देगा, एक को उस कोने में देकर मारेगा और एक को उस कोने में देकर मारेगा, तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा ठीक है, किसी को नहीं लगता अच्छा। तो वो भी क्लासिफिकेशन क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। उसके बाद जो आया, उसके बाद आया मेंडलिव, और मेंडलिव ने आते ही हाहाकार मचा दी, बिल्कुल आग लगा दी चारों तरफ। मेंडलिव ने जो कैरेज दिखाया था, एक तो मेंडलिव के बारे में बता दूं, मेंडलिव जो बिल्कुल ही पुअर बैकग्राउंड, जो उसकी फैमिली थी बहुत ही पुअर थी ठीक है, वो अपनी मम्मी के बहुत ही क्लोज थे, मम्मी उनके काफी प्यार करती थी, उन्होंने जो प्रिडिक्ट टेबल डिस्कवर की थी सारा का सारा क्रेडिट उन्होंने अपनी माँ को दिया था, कि मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से बड़े ही हर एक लॉजिकली चीजों को समझाया था, हर एक अंधविश्वास को लॉजिक से उसने खत्म किया था, जहाँ पर मैंने गलती की थी उसको मेरी माँ ने बड़े ही प्यार से करेक्ट किया था। तो आप एनसीईआरटी में उसके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है तो आप पढ़ सकते हो, वहां पर भी काफी अच्छी लाइनें लिखी हुई उन्होंने अपनी माताजी के बारे में ठीक है। और पुअर बैकग्राउंड, बिल्कुल पुअर फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, अच्छा काम किया और मेंडलिव प्रेडिक्टेबल बना दी। जो कैरेज जो दिखाया था, जो साहस दिखाया था मेंडलिव ने, वो बहुत ही काबिले तारीफ था ठीक है। सो मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट गोज टू डिमिट्री इवानोविच मेंडलिव, रशियन केमिस्ट थे वो। He was the most important contributor to early development of the periodic table of the element, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, atomic masses. अब इसमें एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या थी जिसके बेस पर मेंडलिव ने periodic table बनाया। तो आपने लिखना है मेंडलिव put the element in increasing order of their atomic mass. दोबारा बोल रहा हूँ, मेंडलिव क्लासीफाई या अरेंज या ऑर्गेनाइज या पुट द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक
मासेस हैं। आल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो दो चीजें याद रखनी है आपको। पहला जैसे मैंने बताया मेंडेलियव पुट द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है, मेंडेलियव ने एक्चुअली किया क्या था, एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। मेंडेलियव ने हर एक एलिमेंट को पकड़ा, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। मेंडेलियव ने उसके टाइम पे, अच्छा मेंडेलियव के टाइम पे 63 एलिमेंट नोन थे, बट देखो मेंडेलियव का साज देखो, मेंडेलियव ने 63 एलिमेंट की तो प्रेडिक्टेबल बनाई, उसने अपने प्रेडिक्टेबल में कुछ गैप भी छोड़ दिए, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गैप मेरे लिए डीमेरिट है, उसने कहा कि ये गैप कल को भरे जाएंगे, ठीक है ना। जब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो इन गैप में रखा जाएगा। मेंडेलियव ने देखो इतना साहस दिखा, ठीक है, क्रिटिसाइज भी हुआ, क्रिटिसाइज मतलब उसकी प्रेडिक्टेबल को बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वैसे भी उस पर क्वेश्चन भी उठाया कि ऐसे कैसे डिस्कवर होंगे, लेकिन लेटर ऑन बाद में नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई भी और वो वहीं पर रखे गए जहां पर मेंडेलियव ने बोला था। तो ये देखो कितनी बड़ी बात होती है, जिस एलिमेंट की डिस्कवरी ही नहीं हुई उसने, मेंडेलियव ने फिर भी बता दिया कि हाँ कल को पक्का यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर होगा और वो यहीं पर रखा जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने नाम भी रख दिए, इसी में डिस्कस करेंगे, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन, एक का गैलियम, सॉरी, तो ऐसे उसने करके नाम भी रखे थे, ठीक है ना। तो हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ अच्छा, मेंडेलियव ने दो तरीके से जो बेस हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, पहला क्या बताया मैंने, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा। दूसरा, मेंडेलियव ने हर एक एलिमेंट को पकड़ा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दी, प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा दी, ऑक्सीजन के साथ। तो जब कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता हाइड्राइड, ध्यान से सुनना जी, कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता हाइड्राइड, यानी कि व्हेनेवर एन एलिमेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट विल फॉर्म हाइड्राइड, एंड व्हेनेवर एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म द ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की हाइड्राइड बन गया, वाटर के साथ सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। तो उसने हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा ही किया, मोस्टली एलिमेंट के साथ ऐसा ही किया, और उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। और उसने क्या किया, कार्डबोर्ड लिए, 63 कार्डबोर्ड लिए उन्होंने, और 63 कार्डबोर्ड्स पर हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रख दिया और दीवार पर लगाता गया, ठीक है ना। कार्डबोर्ड मतलब पेपर लिए, उस पर हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिख दिया और दीवार पर लगाता गया। उसने देखा कि अपने आप एक पीरियोडिक टेबल बन रही है, अपने आप कैसे, क्यों बन रही है, क्योंकि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, जिनकी डिफरेंट थी वो नेक्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लिया था उन्होंने। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या 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 पता कई बार पूछ ले कि Mendeleev के टाइम पर कितने एलिमेंट नोन थे, 63 एलिमेंट नोन थे। He examined the relationship between atomic masses of the element and their physical and chemical properties. यानी कि जो different different element known थे उनके बीच में उन्होंने atomic masses के बेस पर plus physical और chemical properties के बेस पर एक relation निकालने की कोशिश की, ठीक है ना। मान लो जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और आपको उनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब है कि भाई 50 एलिमेंट्स को आपने इस तरीके से रखना है कि जैसे 10 बच्चों के जो 50 बच्चे हैं उनमें से 10 बच्चों की थिंकिंग एक जैसी मैच होती हो कि वो IAS बनना चाहते हैं, 10 बच्चे ऐसे मिल सकते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, 20 बच्चे ऐसे मिल सकते हैं जो पुलिस में लगना चाहते हैं, 15 बच्चे ऐसे मिल सकते हैं जो आर्मी में लगने वाले हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, थिंकिंग कैसी है, तो उसके बेस पे क्या कर देंगे, भाई 10 को इनको अलग रख दिया, ठीक है, कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, 15 पुलिस वाले बनना चाहते हैं, तो उसको उनकी थिंकिंग के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या कर रहा है, उसने क्लासीफाई कर दिया। तो मेंडेलियव ने भी ऐसा देखा कि किन किन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच होती है उनको मैं एक ही ग्रुप में रखूंगा, ठीक है ना। Among the chemical property, Mendeleev concentrated on the compound formed by the elements with oxygen and hydrogen. जैसे मैंने बताया था, हर एक एलिमेंट को उसने किसके साथ रिएक्शन करवाया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अब उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों चुने रिएक्शन के लिए, देखो दो रीजन है। पहला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एबुडेंट एलिमेंट है, यानी कि इजिली मिल जाती है। दूसरा,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हर एक एलिमेंट ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है. दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर क्वाइट रिएक्टिव, दे विल फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट. तो सभी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना. आप हर एक एलिमेंट के कंपाउंड, जो कंपाउंड बना है उसको स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को. सो ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट. सो द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स आर ट्रीटेड एज द वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. सीबीएसई ने, फिर से बता रहा हूँ, सीबीएसई ने तीन चार बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे क्या बैकग्राउंड थी, यानी कि उसने क्या बेस लिया, क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली. तो पहला लिखना है, पहला क्या लिखोगे, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मासेस. और सेकंड क्या लिखना है, फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट वर ट्रेटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. He then took 63 cards and on each cards he wrote down the properties of element. He sorted out the element with similar property and pinned guard together on the wall. He observed that most of the element got a place in the periodic table and were arranged in order of their increasing atomic masses. तो मैंने बताया था, जैसे element लिए, पकड़े, hydrogen के साथ reaction करवा दी और oxygen के साथ reaction करवा दी. अब उसने देखा कि जिनके हाइड्राइड्स है, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्राइड बनेंगे, किन किन हाइड्राइड्स की फॉर्मूला जो सेम है उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, किन किन ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है. अब देखो ऑब्वियसली अगर हाइड्राइड के फॉर्मूले मैच होंगे तो उनके ऑक्साइड के फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे. तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर नेक्स्ट में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके क्या कर, क्या बन गया उसकी पीरियोडिक टेबल बन गई. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे उसने लिथियम और सोडियम के साथ में रखा, लिथियम, ठीक है, और किसको रखा साथ में, सोडियम. अब इसको, इनको साथ में रखने का क्या रीजन था, देखो अब लिथियम जो है, लिथियम की वैलेंसी होती है एक, तो उसके रिएक्शन करवाई गई हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है एक, तो आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था, नाइन्थ में बनाना सिखाया था, टेंथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्राइड, क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्राइड. ऐसे ही उसने सोडियम को पकड़ा, सोडियम, सोडियम एन ए और हाइड्रोजन H, सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसका भी फॉर्मूला बना दो आप हाइड्राइड का, क्या बना, NaH. अब देखो दोनों में सिमिलैरिटी है क्या, एक LiH है और एक क्या है, NaH. सिमिलैरिटी क्या है कि भाई लिथियम एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और सोडियम भी कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, एक. अगर ऑक्सीजन की फॉर्म में देखें तो देखो लिथियम, लिथियम, लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फॉर्मूला बना दो, लो जी बना दिया, Li2O बना, क्या बना जी, Li2O, Li2O, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ कितने लिथियम कंबाइन हुए, दो, ठीक है. ऐसे ही सोडियम के बना दो, सोडियम Na, सोडियम Na, सॉरी इधर लिखता हूँ कोने में, इधर कोने में लिखता हूँ, कोने में लिखता हूँ Na, ये सोडियम हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बना दो फॉर्मूला ऑक्साइड का, ऑक्साइड का फॉर्मूला, ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, Na2O, देखो Li2O, Na2O, दोनों एक ऑक्सीजन के साथ दो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं. दैट मींस इसमें क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ये है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो उनको एक ग्रुप में रखो. सो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड मेंडेलीव पुट द एलिमेंट टुगेदर. तो जैसे उसने पैटर्न दिखा उसने उनको एक ही ग्रुप में रख दिया. तो एक बार मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को देख लो, उसको हम स्टडी करते हैं. मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप थे, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप थे. अब बेटा देखो ग्रुप क्या होते हैं, जो खड़े हैं, जो वर्टिकल खड़े हैं, जैसे आप खड़े हो, आप चलते हो, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम, यानी क्या, ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं ग्रुप है. तो ये ग्रुप हमारे क्या, देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8. तो देयर वर 8 ग्रुप इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. पीरियड जो पड़े हैं, आप लेट जाओ, पड़े हैं आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टली पड़े हैं, तो क्या बन जाएंगे, पीरियड. तो ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये जो हमारे कितने पीरियड हैं, ऐसे करके 6 पीरियड हैं. तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है एक नंबर के लिए कि हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड आर प्रेजेंट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल.
तो मैंडी प्रेडिक्टेबल में देर आर सेवन ग्रुप वाइल पीरियड आर सिक्स। अब इसमें क्या है बोलोगे बच्चे, इसमें क्या हम याद रख लेंगे? ठीक है याद रख लोगे, बट जब मॉडर्न प्रेडिक्टेबल आएगी वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वहां पर सेवन पीरियड है और ग्रुप कितने हैं 18, तो आप कंफ्यूज हो जा सकते हो। तो पहले से ही मन बना कर चलो मेंडलियो में कितने ग्रुप हैं, सेवन, और पीरियड कितने हैं आपके सिक्स है। अब आप देखो एक ग्रुप में भी सब ग्रुप हैं, एक ग्रुप में भी सब ग्रुप हैं। जैसे ग्रुप वन को ले लो आप, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, ए में कुछ एलिमेंट लिखे हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, ही ली ना की रब से फरियाद, या हे लन की रूबी से फ्रेंडशिप, इसका तो बड़ा याद रख लोगे आप, ठीक है। तो ये इसके इसमें क्या है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रूबिडियम सीजियम सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। सबके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, RH। अब ये पूछ सकता है जी, पूछ सकता है क्या, पूछे भी है इसने क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड फॉर ग्रुप वन एलिमेंट, या ग्रुप टू एलिमेंट, ग्रुप थ्री एलिमेंट, ग्रुप फोर एलिमेंट, ऐसे पूछ सकता है। तो बड़ा ही सिंपल सी चीज, आपको वैलेंसी देखनी है, आपको क्या देखनी है, वैलेंसी देखनी है। और एक ही बड़े कमाल की चीज है, देखो ग्रुप वन की वैलेंसी वन, ग्रुप टू की वैलेंसी टू, ग्रुप थ्री की वैलेंसी थ्री, ग्रुप फोर की वैलेंसी फोर, ग्रुप फाइव की वैलेंसी फाइव, नहीं रे उसको आठ में से पांच घटा दो कितनी हो जाएगी तीन, ग्रुप सिक्स की वैलेंसी आठ में से छह घटा दो दो, ग्रुप सेवन की वैलेंसी आठ में से सात घटा दो एक। यानी कि जब तक ग्रुप नंबर वन टू थ्री फोर है ठीक है, उसके बाद जैसे ही चार से ऊपर चला गया उस नंबर को पांच में आठ में से घटा दो, वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। अब ग्रुप वन के लिए हाइड्राइड का फार्मूला पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ग्रुप वन की वैलेंसी कितनी होती है एक है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है एक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना, RH बन गया, राइट, सिंपल है। लेट्स सपोज ग्रुप टू के लिए ऑक्साइड का फार्मूला पूछ लेता, ग्रुप टू के लिए ऑक्साइड का फार्मूला पूछ लेता, तो आप क्या करते, आप लिखते ग्रुप टू के लिए आर, आर इनके कोई भी एलिमेंट है ठीक है, उसकी वैलेंसी दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पता आपको कितनी है दो, तो दो से दो गया ठीक है, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेते हैं तो वन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर ओ, देखो आर ओ ही है, आर ओ ही नहीं है क्या। मान लो ग्रुप थ्री के लिए पूछ लेता, क्या पूछ लेता, ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ लेता, तो आपको पता है ग्रुप थ्री के लिए क्या है, कहा लिखूं जगह नहीं है, यहां लिख लेता हूं। तो ग्रुप थ्री के लिए ये आर हो गया, ये क्या हो गया, ओ हो गया। ग्रुप थ्री के लिए बाइवैलेंसी कितनी है आर की, यानी कि ग्रुप आर का मतलब ग्रुप ग्रुप तीन का कोई भी एलिमेंट है तीन है ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कर दी भाई लो, क्या बन गया आर टू ओ थ्री, वही तो लिखा है आर टू ओ थ्री ऊपर वाला। और नीचे क्या है, नीचे वाले बना सकते हो, देखो आर की वैलेंसी कितनी है तीन, और अगर हाइड्रोजन के साथ बनाना हो तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा आर एच थ्री। तो देर आर सेवन सॉरी एट ग्रुप इन, एट ग्रुप एंड सिक्स पीरियड इन मेंडली प्रेडिक्टेबल, आल्सो ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप, ए सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। अब जो सब ग्रुप ए में है कौन से हैं, हीलियम की हीलियम सॉरी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम। ग्रुप टू में कौन है, बेगम के सिर बारह, बेगम के सिर बारह, बेगम के सिर बारह, यानी के बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, तो इनकी सब प्रॉपर्टी क्या है सेम है। ग्रुप थ्री में कौन है, बाबू लाल गए इंडिया थैला लेकर, बाबू लाल गए इंडिया थैला लेकर ठीक है, इनकी बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थूलियम। ग्रुप फोर में कौन है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है, बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम है ठीक है कॉलेज वालों को ठीक है, पढ़ना तो है नहीं उन्हें, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। न्यूज़पेपर आज सब बिके, ग्रुप फिफ्थ की बात कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर आज सब नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ओस से टीपो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलिनियम, फॉस ऑल ब्राइट फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन सर ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो, सब ग्रुप में भी रखे हैं, सब ग्रुप में भी रखे हैं, जैसे आ गया हाँ ये रहा, सब ग्रुप वन में कौन है, CuAgAu, यानी के क्या आगे आऊं, जिंक कनाडा होगा, जिंक कैडमियम मर्करी, सेकंड ईयर लाएंगे AC,
ठीक है जी। टी जरा हाफ वो नवाब था, करो मावा मन तक रहे, कुछ बातें मन तक रहनी चाहिए ना। फी को नी ऐसे बोल सकते हो, फिर रूठा ओस्कर, ठीक है, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। इसको आप जितना हो सके याद कर लो, सब ग्रुप ए को ही याद कर लो, आप बी को याद करने की एच तभी कोई जरूरत नहीं है। तो सब ग्रुप ए को याद कर लोगे, हेलीना की तरफ से फ्रियाद, बेगम के सिर बारह, बाबूलाल इंडिया लेकल, कॉलेज स्टूडेंट गेस्ट प्रोग्राम, न्यूज सभी के ओसेटी को फसल ब्राइट, ठीक है जी। इनके फॉर्मूले जरूर देख लेना, हाइड्राइड के और ऑक्साइड के बनाने कैसे मैंने बता दिया, फॉर्मूला लिखो, इनके फॉर्मूला आर से रिप्रेजेंट, ई से रिप्रेजेंट, किसी भी से भी रिप्रेजेंट कर लो, आपकी मर्जी है, आप अपने आप अपने नेम के लेटर से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है ना। और हाइड्रोजन को एच से करोगे और ऑक्सीजन को ओ से, उसकी वैलेंसी लिखी और हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इधर भी वही बनी हुई है, तो इसमें भी सेम चीजें हैं, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, दोबारा दिखा रखा है इसको, तो एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है। मान लो ग्रुप 50 ग्रुप 5 के लिए आपको क्या बनाना है, ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, तो ग्रुप 5 चार से बड़ा है, तो 5 को 8 में से घटाओगे तो वैलेंसी आ जाएगी 3। तो लेट्स सपोज ये आर है, इसकी वैलेंसी कितनी है 3 है, आर का मतलब है ग्रुप 5 का कोई भी एलिमेंट है, और ऑक्सीजन के साथ बनाना है इसका, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या बन जाएगी R2O3, वही तो लिखा है R2O3, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872। कोई भी देखो बेटा जी चीज बनती है तो उसको जर्नल में छपना पड़ता है, रिसर्च पेपर है उसमें छापते हैं उसको, तो 1872 में छापी गई थी और आग लगा दी थी इसने। इन द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड एट द टॉप ऑफ द कॉलम द रेटल, जो लेटर मैंने आर का मतलब है कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो। नोट द वे फॉर्मूला आर रिटर्न्स, फॉर एग्जांपल द हाइड्राइड ऑफ द कार्बन CH4 is written as the RH4 and CO2 is RO2. तो ये तो सिंपल सी चीज है। अच्छा एक चीज देखो, ग्रुप 1 में R2O लिखा है, ग्रुप 1 में क्या लिखा है बेटा जी R2O, तो ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, उसके हर एक जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला कैसे होगा R2, जैसे Li2O, Na2O, K2O, RB2O, CH2O, ठीक है। हाइड्राइड का फॉर्मूला भी ऐसे होगा LiH, NaH, KH। ग्रुप सेकंड के लिए हर एक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे BeO, MgO, CaO, SrO, BaO। हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा MgH2, BeH2, CH2, तो ऐसे सभी के लिए क्या होगा सेम, सिंस फॉर्मूला सेम है इसलिए कहां पर प्रेजेंट है वो ए ग्रुप में प्रेजेंट है। सॉरी। अब अचीवमेंट क्या थी मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल की, क्या क्या उसने ने मेरिट थी, ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस थी, ऐसे पूछ सकता है। सो मेंडेलियव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहां पर ये देखो, ये एलिमेंट जो गैलियम है ये मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल, ओरिजिनल जो मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये नहीं था, ये बाद में रखा गया है। सिमिलरली ये भी बाद में रखा गया है ना जी, और ये भी बाद में रखा गया है। तीन एलिमेंट जो मैंने सर्कल किए हैं वो क्या है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। SC मतलब स्कैंडियम, GA मतलब गैलियम और GE मतलब जर्मेनियम। ये तीनों एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो मेंडेलियव ने यहाँ पर ये नहीं किया कि कोई और एलिमेंट रख दिया, ठीक है, चलाने के लिए कि हाँ चलो यहाँ पर कोई एलिमेंट रख देता हूँ, ऐसा नहीं किया, उसने गैप छोड़ दिए और कहा कि जब इन नए एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो यहीं पर फिट होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। और इन्होंने नाम भी दिया, गैलियम का नाम दिया उसने इक्का एल्युमिनियम, स्कैंडियम का नाम दिया उसने इक्का बोरोन, और जर्मेनियम का नाम दिया उसने इक्का सिलिकॉन। इक्का का मतलब होता है वन, ठीक है ना, यानी कि इनको नाम इस तरीके से दिया कि इनसे पहले वाले एलिमेंट के आगे क्या लगा दिया इक्का। तो देखो गैलियम से पहले वाला कौन था एल्युमिनियम, तो इक्का एल्युमिनियम, स्कैंडियम से पहले वाला कौन था बोरोन, एक्का बोरोन, और जर्मेनियम से पहले वाला कौन था सिलिकॉन, तो क्या लगा दिया एक्का सिलिकॉन। एक्का जो वर्ड है आपका संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, तो उसने वही यूज किया था, एक्का मतलब वन, ठीक है, उससे एक पहले।
So instead of looking upon this gap and defect, Mendeley boldly predicted that existence of this some new element that had not been discovered yet at the time. Mendeley named these element prefixing the Sanskrit numerical ekka to the name of the preceding element. इनके preceding मतलब उससे पहले वाले element के नाम क्या क्या लगा दिया? Ekka लगा दिया. ठीक है? जैसे scandium, gallium, germanium. Scandium को उसने कहा कि ekka boron है. ठीक है, गैलियम को उसने कहा कि इक्का एल्यूमिनियम है और गैलियम जर्मेनियम को उसने कहा कि इक्का सिलिकॉन है. तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यस, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछे गए हैं, मैं भी दिखाऊंगा जब भी खत्म होगा ये, कि बताओ कौन से तीन एलिमेंट थे जो मेंडेलियव के टाइम पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, करते थे, बट स्टिल मेंडेलियव ने उनको अपनी पीरियोडिक टेबल में रखा. तो कौन से थे? जर्मेनियम, गैलियम एंड स्कैंडियम. फिर पूछ सकता है कि स्कैंडियम का नाम क्या रखा था, या इक्का एल्यूमिनियम किसको बोला था, इक्का बोरोन किसको बोला था. तो आप तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्का एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय द मेंडेलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम हैज डिस्कवर्ड लेटर रिप्लेस द इक्का एल्यूमिनियम. ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो, फिर से देखो इसको, स्कैंडियम की जगह किसने रखा था? इक्का बोरोन, गैलियम, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन. कौन बच गया? जर्मेनियम. फिर एक क्वेश्चन आता है, सीबीएसई ने पूछा था, नोबल मेटल होती है हमारी कुछ नोबल मेटल को इनर्ट मेटल भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं. एक्चुअली कौन सी मेटल है? ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन, जिनोन. ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन. ये ग्रुप 18 के एलिमेंट है, ग्रुप 18 के एलिमेंट है, इनके मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो लास्ट में पड़ेंगे. ये मेंडेलीव की प्रेडिक्टेबल में गायब थी. ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं, वेरी 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 लेस रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती तो कंपाउंड नहीं बनाती. तो एक्चुअली हुआ क्या था, मेंडेलीव ने हर एक एलिमेंट की रिएक्शन करवाई थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, बट ये तो रिएक्टिव नहीं है, ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत ही कम ही करती है, करती ही नहीं है ये मान लो आप, तो ये कहां से एग्जिस्ट करती वहां पर, बाद में इनकी डिस्कवरी हुई थी. तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई नोबल गैसेस वर नॉट प्लेस इन मैजिक मेंडेलीव प्रेडिक्ट टेबल. तो इसमें क्या बोलो गैप है, नोबल गैसेस आर वेरी लेस रिएक्टिव, दे यूजली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज वाई उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम पे. सो नोबल गैसेस लाइक द हीलियम, नियोन, आर्गन हैव बीन मेंशन इन मेनी कॉन्टेस्ट बिफोर. These gases were discovered by late because they are very inert. Inert का मतलब होता है less reactive and present in extremely low concentrations. तो दो चीजें थी, एक तो inert थी और दूसरा extremely low concentration में present है, यानी कि बहुत ही कम concentration में present है हमारे atmosphere में. So when these gases were discovered, they could be placed in new group without disturbing these. तो ये भी Mendeleev की एक achievement थी कि जब noble gases की discovery हुई तो मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल में फिट हो गई थी बिना किसी अरेंजमेंट के, बिना किसी एडजस्टमेंट के. ठीक है, लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, लिमिटेशंस भी पूछता आपसे एग्जाम में कि मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल की लिमिटेशन क्या थी. तो मेरिट बता दी, लिमिटेशन की बात करते हैं, क्या क्या लिमिटेशन. सबसे पहले अब देखो हाइड्रोजन के बारे में दिक्कत आई, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है बेटा जी, एक है. तो हाइड्रोजन हैलोजन्स के साथ भी कंपाउंड बनाता है. देखो हैलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 वाले, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल में ग्रुप 7 वाले. ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनकी वैलेंसी भी एक है. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी एक है, हैलोजन की वैलेंसी भी एक है. जिस तरीके से हैलोजन यानी कि जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है. तो इस हिसाब से हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए था, हैलोजन के साथ रखना चाहिए था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ. बट जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ भी मैच करता है, वो एल्कली मेटल के साथ, यानी कि मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल में जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इनके साथ भी मैच करता है. अब एक कंफ्यूजन हो गया, अब रखें तो रखें किसके साथ रखें, हाइड्रोजन ग्रुप 7 वालों के साथ भी मैच करता है मेंडेलीव प्रेडिक्टेबल में और ग्रुप 1 के साथ भी, अब किसके साथ रखें. ठीक है, तो ये एक पहला डिफेक्ट था. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स मतलब मिलता जुलता है किसके साथ, एल्कली मेटल के साथ, एल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 के मेटल के साथ. क्वेश्चन पूछ सकता है एल्कली मेटल क्या है, ग्रुप 1 वाले कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम.
लाइक एल्केली मेटल हाइड्रोजन कंबाइन विद हैलोजन्स, हैलोजन्स कौन से होते हैं, मेंडेलियु पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 वाले, और जो मॉडरेट पीरियोडिक टेबल पड़ेंगे ग्रुप 17 वाले होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको बोलते हैं हैलोजन्स। अब वो हैलोजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, सल्फर के साथ कंबाइन होता है, उनका फॉर्मूला दिखा गया। देखो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके HCl, कोई भी अल्केली मेटल से सोडियम है NaCl, H2O Na2O, H2S Na2S, तो एक ही जैसे तरह कंबाइन हो रहे हैं ना, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होती है, अल्केली मेटल से भी और हैलोजन से भी। अब रखे तो रखे किसके साथ रखें, ये डिफेक्ट था। ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक द हैलोजन हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज द डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड। अब जैसे हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, डाया एटॉमिक यानी कि दो एटम से, यानी कि H2। क्लोरीन भी कैसे एग्जिस्ट करती है, F2। क्लोरीन भी कैसे एग्जिस्ट करती है, Cl2। ब्रोमीन भी कैसे एग्जिस्ट करता है, Br2। आयोडीन भी कैसे एग्जिस्ट करती है, I2। और जिस तरीके से ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच होती थी हाइड्रोजन के साथ भी और एल्कली मेटल के साथ भी। अब रखें तो रखें, कहां रखें, जिए तो जिए, कैसे जिए। Certainly, no fixed position can be given to the hydrogen in periodic table. तो कोई fixed position नहीं थी। This was the first limitation of the Mendeleev periodic table. He could not assign a correct position to hydrogen in modern in his periodic table. So the first limitation क्या लिखोगे? Position of hydrogen was not correctly assigned. Sir. That means position जो hydrogen की है वो अच्छे तरीके से नहीं assign की गई थी। Second, अब देखो मोड जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पर रखी गई है, दो बेसिस बताए थे मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास प्लस फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ये दो क्लासिफिकेशन थे। अब मास अगर किसी एलिमेंट का डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में रखा जाएगा, बोला रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, नहीं किसी डिफरेंट स्लॉट दिए जाएंगे। अब आइसोटोप आए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जब बनी थी, हालांकि आइसोटोप के बारे में इतना नहीं पता था, आइसोटोप की डिस्कवरी बाद में हुई थी। पहले तो आइसोटोप होता क्या, आइसो का मतलब होता है सेम, टोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास अलग हो। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13, 14, सभी में एटॉमिक नंबर 6 हैं लेकिन मास एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है। तो इस हिसाब से कार्बन को 3 जगह पर रखना चाहिए था, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ऐसे ही हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन 1, 2, 3, तो हाइड्रोजन के भी 3 स्लॉट बनने चाहिए थे, हाइड्रोजन 1, 2, 3, बट ऐसा मेंडेलीव ने कुछ बताया नहीं। तो आइसोटोप की कैसे रखे, आइसोटोप की पोजीशन भी क्या थी, उसके लिए डिफेक्ट हुई थी। सो आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास, so isotopes should be given the different position periodic table, thus all the isotopes of the all the elements pose a challenge to the Mendeleev periodic law, to uske liye sardard bani thi। third thi atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to next, kuch elements ke atomic mass jo the wo ek regular manner mein nahi rakhe gaye the, kaise ki kam mass wala to baad mein rakh diya aur zyada mass wala pehle rakh diya tha, jaise main dikhata hu aapko। कोबाल्ट को ढूंढो, कोबाल्ट को, कोबाल्ट को, कोबाल्ट को, ये रहा। हाँ जी, यहाँ पर ध्यान देना बेटा जी, एक बार ये लिमिटेशन थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट का मास निकिल के मास से क्या है, जा रहा है, तो कोबाल्ट का आना चाहिए था निकिल की जगह और निकिल का आना चाहिए था कोबाल्ट की जगह, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा है ना, पहले कम मास वाला आएगा, फिर ज्यादा मास वाला आएगा, फिर उससे ज्यादा मास वाला आएगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, ज्यादा मास वाला पहले लिख दिया, कम मास वाला कारण दिया बाद में, ठीक है। हालांकि ये चीज लिखा उसने सही है, ठीक है, लिखा सही है उन्होंने, उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर लिखा है, बट मास के बेस पे थोड़ा सा क्या बनती है, कॉन्ट्रोवर्सी बनती है यहाँ पर, ठीक है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन दीज टू एलिमेंट, स्पेशली वेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट, यानी कि हैवियर एलिमेंट क्यों जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखते हैं तो वहां पर कुछ डिफेक्ट आ गए थे कि ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया, कम मास वाले को बाद में रख दिया, इससे क्या दिक्कत हुई, इससे दिक्कत हुई कि भी इनके बीच में कौन से नए एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या पता करते हो और नहीं करते हो, तो ये प्रॉब्लम आई थी।
तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूज द पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो बड़ा ही आसान सी चीज है, पोटासियम के माने पोटासियम, और किसके साथ फॉर्मूला बनाना है, इनके ऑक्साइड के फॉर्मूला बनाना है, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला किसके साथ बनता है, ऑक्सीजन के साथ। और पोटासियम की वैलेंसी एक, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या बन गया K2O, K2O, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ। कार्बन 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 और ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का दो सॉरी 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 चार चार चार, कार्बन की वैलेंसी चार, ग्रुप चार का एलिमेंट है ना, और ऑक्सीजन की वैलेंसी दो। पहले इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले दो से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो में ले आओ, तो यहाँ पर दो आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा जी, एक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या बन जाएगा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का बना लोगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एल्यूमिनियम का बना रहा हूँ लास्ट। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी तीन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है, तो क्या बन जाएगा Al2O3। सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बन के नीचे पड़ा होता है, वैलेंसी है चार, तो SiO2 बन जाएगा CO2 की तरह। बैरियम ग्रुप टू का है, तो क्या बन जाएगा BaO बन जाएगा, क्रॉस चेक कर लेना, आंसर मैंने बता दिया, बनाकर देख लेना एक बार। बिसाइड गैलियम विच टू विच अदर एलिमेंट हैव बीन सिंस डिस्कवर्ड विच सॉरी बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय द मेंडेलियव इन प्रेडिक्टेबल। तो मेंडेलियव प्रेडिक्टेबल में कुछ गैप छोड़े थे, तो गैलियम के अलावा ऐसे एलिमेंट कौन से थे जिनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, तो गैलियम कौन कौन से थे वहां पर, एक तो गैलियम था, ठीक है, एक जर्मेनियम था, और एक कौन था बेटा जी स्कैंडियम। स्कैंडियम को इक्का बोरोन, ठीक है ना जी, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन बोरोन। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज बाय द मेंडेलियव क्रिएटिंग इट्स प्रेडिक्टेबल। तो दो क्राइटेरिया बताने हैं, पहला मेंडेलियव पुट द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाया एलिमेंट्स को। दूसरा मेंडेलियव कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि हाइड्राइड और ऑक्साइड की, हर एक एलिमेंट ने जो हाइड्राइड ऑक्साइड बनाया था उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया, कंसिडर किया था। जिन ऑक्साइड का फॉर्मूला और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम था उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनका अलग था उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। इस तरीके से आठ ग्रुप बन गए थे और सिक्स पीरियड बन गए थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई डिड यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। तो नोबल गैसेस आर वेरी 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 लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, उनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी इसलिए उसको बाद में रखा गया था। डिस्कवरी बाद में क्यों हुई थी, तो लो कंसेंट्रेशन में लो अमाउंट में मिलती है, और दूसरा वेरी लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ कंपाउंड ही नहीं बनाती। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, डिस्कस सम मेजर मेरिट ऑफ द मेंडेलियव प्रेडिक्टेबल। तो क्या क्या मेरिट थी, पहली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट है, इनके उससे सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो एलिमेंट की सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कर पाना पॉसिबल था, इट मेड द स्टडी ऑफ द एलिमेंट सिंपल एंड सिस्टमैटिक है। सेकेंड क्या था, करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास, हाँ उन्होंने कुछ एटॉमिक मास करेक्ट किए थे जो गलत थे उस टाइम पर। The predictable help in correcting the atomic mass of the some element because of the element are arranged in order of increasing atomic mass. Third, prediction of the new element. Mendeleev ने boldly कहा था कि कुछ नए element की discovery होगी, पक्का होगी, ठीक है? कुछ नए element की just a minute, कुछ नए element की discovery होगी और पक्का होगी, और उन्होंने जहाँ पर gap रखा था वो वही gap पर, जैसे gallium, germanium, scandium, ठीक है? So at the time Mendeleev gave the predictable, only 63 element were known. While arranging these element in a group period and certain gaps were left, these gaps represented some undiscovered element, but the properties of these unknown element could be predicted from the positions in respective group. This helped in later on discovery element. इनके जो gap छोड़े थे, वो gap कैसे छोड़े थे? वैसे ही नहीं कि उसने कुछ भी बोल दिया कि gap यहाँ होगा यहाँ होगा, नहीं, उन्हें properties के according बोले थे कि यहाँ पर कुछ gap आएंगे। Question number 6. Point out the major defect in the Mendeleev predictable. क्या defect थे? पहला position of hydrogen, जो hydrogen है उसकी property alkali metal से भी match करती थी और halogen से भी match करती थी, but रखा कहाँ, रखे कहाँ उसने, हालांकि alkali metal के साथ रखा था, ठीक है ना, तो position of hydrogen controversy थी। Position of isotope, isotope क्या होते हैं? These are the atoms of the same element which have the same क्या chemical property but different physical property या different atomic mass बोल सकते हो। सभी आइसोटोप का मास अलग अलग होता है तो उनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी प्रेडिक्टेबल में, बट ऐसा कुछ नहीं था। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, तो मैंने जैसे बताया था कोबाल्ट और निकिल, निकिल का मास कम है
लेकिन फिर भी वो कोबाल्ट के बाद रखा गया है, कोबाल्ट का मास ज्यादा है लेकिन उन्हें निकिल के मास से पहला रखा गया है। एलिमेंट विद अ सिमिलर प्रॉपर्टी प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप है, कुछ ऐसा भी हुआ था कि जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं थी फिर भी उनको सेम ग्रुप में रख दिया था, ऐसा किसके साथ हुआ था, जैसे कॉपर मर्क्यूरी के साथ, ठीक है। नो सिमिलैरिटी इन एलिमेंट प्लेस इन सब ग्रुप है, जिससे सब ग्रुप में कुछ सब ग्रुप में कुछ एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया था बट उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती थी, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग रख दिया था कुछ के साथ ऐसा हुआ था, और जिनकी डिफरेंट थी उनको एक साथ रख दिया गया था। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू मेजर शॉर्ट कमिंग ऑफ द मेंडेलियन प्रेडिक्टेबल, शॉर्ट कमिंग का मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस, डीमेरिट जो अभी डिस्कस की थी, हाउ हैव दीज बीन रिमूव्ड इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। तो सीबीएसई 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो शॉर्ट कमिंग ऑफ मेंडेलियन प्रेडिक्टेबल पहला क्या था जो अभी डिस्कस की थी वही लिखनी है। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप, कुछ एलिमेंट को अलग रख दिया था उसने, कुछ एलिमेंट के मास के साथ दिक्कत थी। So, isotope and element require the different position in the different predictable. Some chemically similar element have been separated and some dissimilar. यानी कि जिनकी property match करती थी उनको तो दूर दूर रख दिया, और जिनकी property match नहीं करती थी उनको साथ में रख दिया, ठीक है, दोस्त को दूर बैठा दिया, दुश्मन को पास बैठा दिया। अब इनको किसने रिमूव किया था, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल ने। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में जो एलिमेंट है वो एटोमिक मास के नहीं बल्कि एटोमिक नंबर के बेस पर रखी गई है, एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप का सेम ही होता है, तो उनको एक ही जगह मिली थी, तीन तीन जगह देने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। सिमिलर एलिमेंट वार ग्रुप टुगेदर, अब मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में जिन एलिमेंट को मेंडेलियन प्रेडिक्टेबल में एक साथ रखा था डिसिमिलर होते हुए तो मॉडर्न में उनकी पोजिशन को ठीक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर यूज बाय द मेंडेलियन इन क्रिएटिंग द प्रेडिक्टेबल लीड्स द टू ऑब्जर्वेशन which pose a challenge to the mentally predictable. तो CBC 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो किस बेस पर बनाई थी predictable? तो उसने दो बेस पर रखी थी, पहला increasing order of atomic mass, दूसरा properties of the hydride and oxide, ठीक है। He selected the compound of elements with oxygen and hydride. He gave a table based upon the weight of the atomic weight. Limitations, the position of hydrogen challenge करती थी, uncertainty of position of isotope. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म, एका एल्यूमिनियम। तो मैंने बताया था जो एलिमेंट है एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, ठीक है, और एका सिलिकॉन। तो एका एल्यूमिनियम गैलियम था, एका एल्यूमिनियम कौन था बेटा जी, याद रखना है आपको, गैलियम था, ठीक है। ग्रुप थ्री का एलिमेंट है इसमें, जो मेंडेलियन प्रेडिक्टेबल उसमें ग्रुप 3 होता है और मॉडर्न में ग्रुप 13 होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप क्या बन जाएगा, Ze2 एंड ऑक्सीजन की 3, तो ये रहा, यानी कि E2O3। ई माने ई मतलब कोई भी एलिमेंट रख दिया उसने, ठीक है, ई एलिमेंट, तो E2O3 इज द आंसर। नेक्स्ट, यस, according to Mendeleev periodic law the element r were arranged in periodic table in order of, so increasing order of atomic mass, c is the correct answer, increasing order of atomic mass ke base par rakha tha. Next, in Mendeleev periodic table gap were left for the element to be discovered later, which of the following element found a place in periodic table. So inme se dekhna hai ki kaun se element jiski discovery baad mein hui thi, to chlorine pehle hi tha, silicon bhi pehle hi tha, oxygen bhi pehle hi tha, बाद में किसकी डिस्कवरी हुई थी, जर्मेनियम की, किसकी डिस्कवरी हुई थी, जर्मेनियम की, एका सिलिकॉन बोलता उसने, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडेलियन प्रेडिक्टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, किसका था फंक्शन, एटॉमिक मास का, ठीक है, बी इज द आंसर। बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय द मेंडेलियन प्रेडिक्टेबल, तो सीबीएसई 2001 में पूछा गया था, तो कौन से एलिमेंट थे, स्कैंडियम और गैलियम। फिर सीबीएसई 2014 में पूछा गया था क्या, राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड्स ऑफ द एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम, द एलिमेंट वाज प्रेडिक्टेड बाय द मेंडेलियव। तो एका सिलिकॉन कौन था, जर्मेनियम था, तो सिलिकॉन वाली फैमिली में ही था, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी थी, 4, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो इसको अगर ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, यानी कि एका सिलिकॉन कौन था बेटा जी, जर्मेनियम, और क्लोरीन के साथ फॉर्मूला बनाना, क्लोरीन की वैलेंसी 1, जर्मेनियम की वैलेंसी 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या बन गया, ZeCl की 4,
तो वही लिखा है ZeCl की 4। गैलियम की वैलेंसी 3 होती है, इसको बना लोगे आप। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। सीबीएसई 2015 में पूछा गया था कि नोबल गैसेस की डिस्कवरी बाद में हुई थी, क्या रीजन है, क्या रीजन दे सकते हैं। तो उसके लिए रीजन है कि नोबल गैसेस वेरी लेस एक्टिव थी और उनकी एक्सट्रीमली लो कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से डिस्कवरी क्या थी, दिक्कत में आई थी। नेक्स्ट, इन मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। हाउएवर कोबाल्ट विद एटॉमिक मास ऑफ 58.93 एटॉमिक मास यूनिट वाज प्लेस बिफोर द निकल। वो कह रहा है कि कोबाल्ट का मास ज्यादा था, बाद में रखना चाहिए था निकल के, बट वो पहले रख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो ग्रुप जो है, ग्रुप बनाने के लिए प्रॉपर्टीज जिसके साथ मैच हुई थी उसी के अकॉर्डिंग उसने रखा था। तो लास्ट में दो लाइन के साथ छोड़ रहा हूँ, मेंडेलियव पीरियोडिक लॉ। मेंडेलियव पीरियोडिक लॉ क्या था? इट स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसमें पूछ सकता है कि नंबर में व्हाट अबाउट द मेंडेलियव पीरियोडिक लॉ। इसने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। अभी पीरियोडिक फंक्शन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का वर्ड का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज फिर से वही एक जैसी स्टार्ट होने लग जाएंगी। जैसे लिथियम है, सोडियम है, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद सिमिलर, इनकी सिमिलरिटी आने लग जाएगी। मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल इज ऑब्टेन बाय अरेंजिंग द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड सेकंड बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।